मोड्स, इस ग्राफिक मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपके पीसी पे जितने भी ड्राइवर्स है वो सभी अपडेट होना चाहिए। पीसी में अगर GTA 5 रन करता है तो ये ग्राफिक मोड आप ही लोगों के लिए बना है। खास करके एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगा अभिनव मोटर्स को कि उन्होंने इतना अच्छा लो एंड पीसी ग्राफिक्स मोड बनाया। तो भाई कतई चहर मोड्स बनाते, मैं फिर बोल रहा हूँ आप मिस कर रहे हो, उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फटाक देना उनके चैनल पर विजिट कर लो, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले गेम का मेन डायरेक्टरी को ओपन करना है, ठीक। अब नहीं पता कि गेम का मेन डायरेक्टरी कहां से ओपन करना है, सिंपली आपके डेस्कटॉप पे आपको गेम का आइकन मिलेगा, राइट क्लिक करना, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है एंड बूम, ये रहा हमारा मेन डायरेक्टरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाने वाले हैं, मोड्स का फोल्डर। हमारा फोल्डर सक्सेसफुली बन चुका है, मोड्स का फोल्डर। सिंपली हम इसे कट कर देते हैं यहाँ से एंड वेल गाइस, सबसे पहले आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेना है, मोड फाइल, ठीक है। इसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पर दे दूंगा, सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिल जाएगा, ठीक है, मोड फाइल करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली आपको इसे ओपन करना है, फोल्डर को ओपन करना है एंड फाइल्स को ओपन करना है एंड यहाँ भी वेट करो, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको अपना ओपन आईवी को ओपन करना है, और नहीं पता है कि ओपन आईवी कैसे इंस्टॉल करना, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे जाके चेकआउट कर लो, आप आईवी इंस्टॉल करने के लिए रेडी हो। तो सिंपली हम इसे ओपन करते हैं, एडिट मोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। एडिट मोड ऑन करके आपको जो भी आपका करना है, तो जैसे ही देख सकते हैं जो हमने मोड्स का फोल्डर बनाया था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। बट उससे पहले आपको टूल्स में आना है, यहाँ पर आपको ASI मैनेजर पे आपको ये तीनों को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर आप पहली बार इसे इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर आप पे इंस्टॉल नहीं है तो ये तीनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको सिंपली अपडेट RPF को ओपन करना है। तो जैसे ही देख सकते हो कॉपी टू मोड फोल्डर, सिंपली आपको इसे कॉपी टू मोड फोल्डर पर क्लिक कर लेना है। तो अपने को बैक चलना है, बैक ओके। अब आपको मोड्स के फोल्डर को ओपन करना है एंड यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने अपडेट वाला कॉपी किया था, सिंपली यहाँ पर हमारा आ चुका है। सिंपली आपको इसे ओपन करना है, अपडेट RPF को ओपन करना है। सबसे पहले आपको अपडेट के फोल्डर को ओपन करना है, अपडेट RPF को ओपन करना है एंड जैसे देख सकते हैं कॉमन यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिंपली आपको कॉमन में जाना है, यहाँ भी आपको कॉमन में जाना है, डेटा पे ओपन करना है एंड इसे भी डेटा में ओपन करना है। जितने भी यहाँ पर फाइल्स है दोस्तों, सिंपली यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस इतना ही करना है आपको। सिंपली हम बैक चलते हैं, अब हम यहाँ भी बैक चल लेते हैं। अब अपने को शेडर्स पे जाना है, इसमें भी आते हैं शेडर्स पे, यहाँ पर Win3240 फाइनल, सिंपली आपको वही फाइल पे जाना है एंड इसे ओपन करते हैं। जितने भी फाइल है सिंपली कॉपी करो एंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, बस इतना ही आपको करना है। सिंपली हम बैक चलते हैं, बैक ओके। तो अपने को Into64 पे जाना है, यहाँ भी Into64 पे जाना है, यहाँ पर आपको टेक्सचर का फाइल दिखेगा, सिंपली इसे ओपन करो, यहाँ भी आपको टेक्सचर का फाइल मिलेगा। भाई बहुत ही सिंपल है इंस्टॉल करना, सिंपली आपको यहाँ से सभी को कॉपी करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस आपको इतना ही करना है एंड आपका जो ग्राफिक्स मोड है वो सक्सेसफुली आप गेम में इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली आपको एडिट मोड पर यहाँ से आपको क्लोज करना है एंड इसे कट करना है। तो अब आपको अपना गेम को ओपन करना है एंड वेल गाइस, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम ओपन हो चुका है, लिटरली आप ग्राफिक्स देख रहे हो कतई आफत लग रहा है यार, मतलब बहुत ही एपिक ग्राफिक्स हो चुका है। तो इस तरह आप अपने लो एंड PC GTA 5 का एक अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है फ्रेंड्स शेयर करें जो इस ग्राफिक मोड को अभी तक इंस्टॉल नहीं कर पाए या वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।